गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है 777 पोर्टल। जी हाँ, आज की जो तारीख है वो 7 जुलाई 2023 है, जो कि 777 बनता है। और 7 नंबर बेहद खास है, ठीक है। 7 नंबर साइकिक पावर का है, स्पिरिचुअलिटी का है। और 777 एक एंजल नंबर है, जो गॉडेस लक्ष्मी जी का भी नंबर है। और आज की तारीख में, आज के दिन में, जो भी मैनिफेस्टेशन की आप चीज़ें कोशिश करोगे, जिस चीज़ पे भी आप फोकस करोगे, वो 3 गुना बढ़ेंगी, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, स्पेशली रिलेटेड टू ऑल अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अच्छा, आज की जो आज का जो दिन है ना, वो दिन है सारे जो भी नेगेटिव, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जो बिहेवियर जो होते हैं ना, जो हम रिलेशनशिप्स को लेके जो भी हमारे अंदर भसे हुए होते हैं, वो सब आप गौर करोगे कि वो सब ना एकदम से आ रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर ना एक अनजाना सा जो है गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है, हेट्रेड जो है वो बढ़ रही है, स्पेशली फैमिली और रिलेशनशिप में आप ये चीज़ देखोगे। और ये चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही है, हम आज इस वक्त इस दुनिया में इतने सारे लोगों के साथ हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल चल रही है, जो बहुत बड़ी मैट्रिक्स है। हम उसके पीछे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे आपके लिए एक कह सकती हूँ मैसेज है। वो ये मैसेज है कि आपकी जो भी इमोशन जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया था, होता ना हम कहते कि यार ये ऐसा है, वो वैसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और हम ये बात कह के भूल जाते। बट वो जो हम कहते हैं वो कहाँ जाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। वो सब एकदम अचानक से आएंगे, और ये सब ऊपर सरफेस पे इसलिए आएंगे ताकि आपकी हीलिंग जो है ना वो फटाफट हो सके। तो आज का जो दिन है ना, वो बेहद खास है, बेहद शुभ है, सारी नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालने का, अपनी अच्छी चीज़ों को, चीज़ों पे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे, जो आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, उन सब चीज़ों पे फोकस करने का। और हाँ, यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑलरेडी आप देख रहे हो, इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो कार्ड आप चुन सकते हैं, और देखते हैं कि ये जो 777 है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुलने वाला है। गाइस, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 गिफ्ट का कार्ड चूज़ करा है, इनकी ना सबसे बड़ी जो खासियत वो है, वो ये है कि ये लोग बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी से भरे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इन्हें अपने आप को अच्छा रखना आता है, ठीक है, अच्छा खूबसूरत रखना आता है। ओके, ये इनके पास चाहे कैसा भी काम हो, इनकी चाहे जैसी भी घर हो, फैमिली हो, बट जब आप बाहर जाते हो ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये अच्छे घर से है, ये अच्छे घर से है। हो सकता है कि आपको अच्छे कपड़े पहनना और एकदम स्टाइल में रहना वो अच्छा लगता है। सेकंड चीज़ ये, आपके अंदर एक लव वाली एनर्जी ऑलरेडी है, मतलब एक जो भी आपको देखेगा ना, मतलब वो आपके प्यार से, आपकी स्माइल से, आपकी अदाओं से ना वो फिदा तो होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप खुद भी एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हो, तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करोगे ना, वो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही बहुत अच्छी है। तो अगर मैं बात करूँ कि इस 777 पोर्टल के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, आपके साथ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सबसे पहली बात, आपकी जन्मपत्री में आपका बुध मर्क्यूरी वो स्ट्रांग है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ ह्यूमर का, फ्रेंडशिप का, कॉन्टैक्ट्स का। मतलब मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि लोग जो है ना, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, वो आपके फेवर में हैं। ओके, बट इस 777 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में 2 अच्छी फेवर में चीज़ें हैं, 2 नहीं 3। सबसे पहली बात तो आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी गार्जियन, ठीक है, वो आपके साथ पूरा, उनकी हेल्प है, 100% उनकी हेल्प है। ओके, यू आर अ ब्लेस्ड सोल। ओके, जहाँ जहाँ आप 1% काम करोगे ना, वहाँ पे आपको 5% काम होता हुआ दिखेगा। ओके, सेकेंड चीज़, इस वक्त इस 777 पोर्टल के बाद और जो भी एस्ट्रोलॉजिकली ट्रांजिट हो रहे हैं, 2 ग्रह मुझे आपके स्ट्रांग दिख रहे हैं, वो है मंगल और दूसरा गुरु। ये 2 ग्रह आपके अभी फेवर में हैं, और मंगल होता है क्विक एक्शन का, ठीक है, मेहनत का, ओके, और चीज़ें अपने दम पे हासिल करने का, और गुरु जो होता है ना वो लक का होता है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ये टाइम जो आने वाला है ना 777 के बाद, अब जो भी मेहनत करोगे ना, वहाँ पे आपका लक जो है वो साथ देगा, जो अब तक नहीं दे रहा था ना, वो अभी साथ देगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो देखिए डियर,
मनी रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक कामों रिलेटेड जो भी आपके काम हैं, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है, वर्क है, शॉप है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप घर में हो बैठे हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, जब भी हो, अगर आपकी इच्छा है कि मुझे ये काम अपना करना है, ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, वो चीज़ें होंगी मैनिफेस्ट, दिस इज श्योर, ओके। और इवन अगर आपकी एज 40s या 50s के आसपास है, आप सोचोगे अब मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, अब तो मेरा सारा काम सेटल हो गया है, तो वो आपके बच्चों के थ्रू आएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि गुरु की जो है वो अभी आपका एक ट्रांजिट जो है वो बहुत फेवर में है, तो जब गुरु की कृपा होती है ना और साथ में मंगल की, हमें लगता है कि सिर्फ गुरु से ही मांगलिक कार्य होते हैं, नहीं, मंगल से भी कार्य होते हैं। तो जब गुरु और मंगल की जब दोनों की कृपा होती है, तो कोई भी ऐसा काम, जॉब लगना, बच्चों का जॉब लगना, बच्चों के काम होना, ठीक है, अगर आपकी कोई शादी से रिलेटेड कोई काम है, आपके बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ भी है ना, अगर आपकी वो एज है, तो वो काम, मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ गुरु और मंगल से रिलेटेड जो भी सारे शुभ काम हैं, वो अब आपकी ज़िंदगी में इस वक्त के बाद होने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे ना यूनिवर्स जो है ना, वो आपकी हेल्प पूरी तरह से करना चाहता है, स्पेशली रिलेटेड टू एनी मनी रिलेटेड थिंग, वर्क रिलेटेड थिंग, करियर रिलेटेड थिंग, जो भी सारी चीज़ें, अब तक चीज़ें जो थी वो बंधी हुई थी। पता है क्यों बंधी हुई थी? बिकॉज ऑफ सैटर्न, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये हो सकता है कि सैटर्न की वजह से आपके अंदर थोड़ी सी लेजीनेस थी, ठीक है, आप काम को ना इतना डेडिकेटली नहीं कर पा रहे थे। और एक और चीज़, आपको पता ही नहीं पड़ता था मुझे क्या करना है, क्लैरिटी होती ना वो भी नहीं थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो थी वो अनफेवरेबल थी आपकी तरफ से भी, आपके ग्रहों की तरफ से भी, बट राइट नाउ, ठीक है, अब आपके अंदर वो एक एनर्जी आने वाली है काम के लिए। अगर आप घर पे भी हो ना, ठीक है, घर पे भी हो, अगर आप हाउसवाइफ भी हो, ठीक है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, रास्ते आपके लिए खुलेंगे अगर आपने काम किया तो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप जब मेहनत करोगे ना, आपके पास ऑफर्स आएंगे, ठीक है, वो जैसे भी आए, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब आप मेहनत करो ना, तब आपको लग रहा है कि यार मतलब मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं खुद ही अकेले करे जा रही हूँ और सब चीज़ें अगेंस्ट जा रही है। बट आप ये याद रखना, ये जो टाइम है ना, ये टाइम टेस्टिंग वाला टाइम होता है, क्योंकि कोई ना कोई आपको ऊपर से ज़रूर देख रहा है। बिकॉज को क्रिएट का कार्ड एंड सेरेंडिपिटी का कार्ड, मतलब लाइक लक है ना, एंड समवन इज़ गाइडिंग यू। और वो जैसे ही उन्हें पता पड़ गया ना कि बस ये बंदा ने इतनी मेहनत कर ली, बस उसके बाद आपके लिए बारिश जो है ना वो शुरू हो जाएगी। आपको लग रहा होगा यार मैं इतना सब अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, यस अच्छा है इसीलिए बोल रही हूँ, अगर खराब होता तो खराब बोलती, ठीक है। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, बट आपकी मेहनत के बाद। तो इस 777 पोर्टल के बाद ना, आप अपनी मेहनत पूरी फुल ऑन करना, बिकॉज यस, ठीक है, आपके पैसों की तंगी, आपके काम की तंगी, आप जो भी आप चीज़ें चाहते हो, आप मकान, पैसा, घर, जो भी आपके रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपकी है ना, वो सब चीज़ें आपकी सक्सेसफुल होंगी। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि मुझे ये चीज़ कर सकती हूँ, तो उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, ठीक है। लेट्स चेक द फ्यूचर, फ्यूचर देख लेते हैं। और फ्यूचर के लिए यहाँ पे चार कार्ड्स निकले हैं, 9 of Cups, डेथ, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और इन चार कार्ड्स फ्यूचर में मैंने सिर्फ एक साल का निकाला, आने वाले एक साल का। देखिए 9 of Cups तो मतलब मैंने आपको कहा था ना, आपकी जो सारी विशेज हैं वो ग्रांटेड हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन जो हैं वो कंप्लीट होंगी, और आपका कोई भी काम बीच में रुकेगा नहीं। अगर रुका ना तो वो आपके फ़ायदे के लिए होगा, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही जो टॉर्चरिंग हो, इवन और तो टॉर्चर जो है ना वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। कौन सा टॉर्चर? कोई भी ऐसा टॉर्चर जो आपकी लाइफ में, अगर आप फीमेल हो तो आपके साथ, अगर आपके घर में कोई भी फीमेल है उनके साथ, ठीक है, कोई भी टॉर्चर, किसी ने आपको परेशान किया, ठीक है, किसी ने, कोई आपके पीछे पड़ा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई फालतू के चक्रों में फंसा रहा है, कोई कोर्ट के मामले होते हैं, कोई ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इन सब चीज़ों में फंसा रहा है, वो सारी चीज़ें एंड होने वाली है, ठीक है, आने वाले एक सालों में। और अगर आपके काम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी जो दुश्मन है ना वो हटने वाले हैं, और आपके काम में मुझे प्रमोशन या कोई भी ऐसी जो चीज़ है ना, आपको रिवॉर्ड जो है ना वो मिलने वाले। अगर आप हाउसवाइफ भी हो, अगर आपकी एक एज है और आपका कोई घर में ऐसा नहीं है, मतलब कोई आपका काम नहीं है, तब भी आपकी रिस्पेक्ट, आपका मान सम्मान जो है ना वो घर में बढ़ेगा, आपकी कहने को सुना जाएगा, आप जो भी बोलोगे ना उसको सुना जाएगा, ठीक है। आपकी एक अच्छी इमेज, एक बढ़िया इमेज जो आप हो, वो
आने वाले टाइम में लोगों को दिखेंगी। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ओके, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये रेड कार्ड चूज़ करा है जिसमें एक बहुत बड़ी तलवार है, तो अगर मैं बात करूँ कि इस 777 पोर्टल के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो देखिए डियर, सबसे पहली बात, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने अगर ये कार्ड चूज़ भी किया है ना, तो ये कार्ड ऐसे ही चूज़ नहीं किया है, ठीक है। इनके अंदर की ना एक कह सकती हूँ कि एक डिवाइन जो शक्ति होती है ना, जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं सहती, वो ऐसी, जैसे देखिए ना, हर एक फीमेल में एक माँ काली होती है, दुर्गा होती है ना, तो आपके अंदर की एक कह सकती हूँ कि मैं जो दुर्गा माता वाली जो एक एनर्जी है ना, वो जागृत हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी लाइफ जो अब तक जी है ना, वो काफ़ी समर्पित करी है, ठीक है। आपके परिवार वाले लोगों को काफ़ी समर्पित करिए, जो आप हो वो पूरा का पूरा आपने अपने आप को दे दिया है, अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। तो और क्योंकि आपको इन बदले में वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, आत्मसम्मान जो होता है ना, वो नहीं मिला, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जो एक डिवाइन जो शक्ति होती है ना, वो जागृत हो रही है, ठीक है। इन लोगों ने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा टॉर्चर में निकाली है, ठीक है। इन्होंने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर आप यंग हो तब भी, आप लोग ऐसे गुड गर्ल गुड बॉय रहे हो, अगर आप फीमेल हो ना तब भी, मैं फीमेल, और अगर आप मेल हो तब भी मैं ये बात कह रही हूँ कि आपके अंदर एक वो शक्ति जो है ना, वो जागृत हो रही है, बिकॉज आप लोग हमेशा इससे एक ऐसे अच्छे बच्चे की तरह रहे हो, जो हमेशा अपने परिवार की बात मानता है, जो परिवार कहते हैं, आपके बड़े जो भी कहते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सर आँखों पर है, ठीक है। आप उन्हीं में ही अपनी पूरी ज़िंदगी आपने अब तक लगाई है, हर बात मानी है, और जो भी मतलब मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके ऊपर अब तक एक बहुत ही डोमिनेंट फोर्स रहा है, ठीक है, कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, आपको कभी भी फ्री होने नहीं दिया, जिसकी वजह से अब आप अंदर से ना बहुत वूंडेड हो, ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा जख्मी हो, ठीक है। और ये सब एनर्जी, मतलब ये सारी एनर्जी की वजह से आपने ये रेड कार्ड चूज़ करा है। ये रेड कार्ड जो है ना, जहाँ पे एक बड़ी सी तलवार दिख रही है, मतलब मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है जो आपको चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने का। यू आर लाइक, आप लोग ऐसे लोगों, मतलब मुझे यहाँ पे कहने की बहुत इच्छा हो रही है, आप लोग ऐसे लोगों ना, आपने हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखा है कि मेरा पति नाराज़ ना हो, मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी, मेरे फ्रेंड्स नाराज़ ना हो, मेरा भाई नाराज़ ना हो, या मेरे घर वाले नाराज़ ना हो, ठीक है, उनकी बिल्कुल। और इसकी वजह से ना, पता है क्या हो रहा है, आपकी जो पर्सनैलिटी वो पूरी तरह से जो है वो दब चुकी है ना। यू आर नॉट दैट, आपने अपनी इच्छाओं को इतना ज़्यादा मारा है ना, कि अगर आपने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, कि आपकी सेक्रीफाइस के लिए ना एक कहीं ना कहीं आपको एक गिफ्ट मिलना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ओके। और अगर अब मैं बात करूँ कि इस 7 जुलाई के बाद, इस 777 पोर्टल के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले, तो देखिए डियर, सबसे पहली बात तो आप लोग, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत पैसा आने वाला है या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, करियर में सक्सेस, बिजनेस, वो नहीं, यहाँ पे और कुछ बात है, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करियर से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है खुद को पाना, ठीक है। आप लोगों का, आप लोग अपने, आपकी जो एक सेल्फ ग्रोथ की जो जर्नी चल रही है ना ये अभी तक, ठीक है, जहाँ पे आपने टॉर्चर जब सब झेला, अब आपकी ग्रोथ जो है ना वो हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, और इस 777 पोर्टल के बाद वो और ज़्यादा तेज होगी, ठीक है। मैं हो सकता है कि आपके बहुत सारे घर वाले आपसे नाराज़ हो, ठीक है, क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना बंद कर रहे हो धीरे धीरे, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे एक बहुत न्यू बिगनिंग दिख रही है आपकी, ठीक है। ये एक ऐसी न्यू बिगनिंग है जो आप कब से जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जैसे इंसान, जैसे इंडिया जब आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपको अब फील होने वाली है, ठीक है। और वो इसलिए फील होगी क्योंकि आपकी, आप अब
आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो शक्ति जो होती है वो आने वाली है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना देखिए, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे टाइगर की कार्ड बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि टाइगर के कार्ड और तलवारों के कार्ड ये सब बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे ना एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, कंट्रोल की ज़रूरत होती है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत होती है, अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें अब आपके साथ अब आप करोगे, अब आप अपने आप पे सबसे पहले ध्यान दोगे, अब आप औरों की, जो लोग आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, आपको सिर्फ ऐसे यूज़ करते ना, अब आप उन पर ध्यान ना दे के खुद पर ध्यान दोगे। आपकी जो है ना ड्यूटी समझना, तो जो आप अपनी ड्यूटी जो समझोगे, आप सबसे पहले खुद के प्रति समझोगे, आपकी टोटली न्यू बिगनिंग होने वाली, लोगों को लगेगा कि यार ये क्या कर रही है ना, सब लोगों, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, जो फैमिली है, जो भी आपका सोशल सर्कल है, वो सब सोचेगा है ये तो बेवकूफ है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। बट नो, जो बाहर से जो बिल्कुल अभी जो दिख नहीं रहा ना, अंदर से एक शेर या शेरनी जो है ना वो आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत आज़ादी मिलने वाली, वैसी वाली आज़ादी मिलने वाली, आप घूमने फिरने वाले, वो वाली आज़ादी नहीं, आप अपने आप को एक ऐसी बेड़ियों से फ्री करने वाले हो, वो ऐसी बेड़ियाँ हैं जो इनविजिबल बेड़ियाँ हैं, जो आपने अपने ऊपर खुद डाली है, ठीक है, खुशी खुशी डाली है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है। अब आपकी बहुत प्यारी ग्रोथ होने वाली है, अब आपकी ज़िंदगी जो है ना वो संवरने वाली है, मैं कह सकती हूँ ज़िंदगी एक संगीत बनने वाली है, ठीक है। आपके अगर आप घर में रहते हो, अगर आप जॉब में करते हो, जो भी आपको टॉर्चर कर रहा था, बट आप उसी जोन में रह के आप बेहद खूबसूरत होने वाले हो, बेहद खूबसूरत, आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज होने वाली है, लोगों को लगेगा कि यार हो क्या रहा है, ठीक है। इनिशियली लोगों को समझ में नहीं आएगा, इनिशियली लोगों को पता नहीं हंसे, हो सकता है हंसे, बट धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, या तो आप माता जी का कोई कुछ करते हो, ठीक है, माता जी का कोई मंत्र पढ़ते हो, या फिर आपकी देर इज सम फीमेल शक्ति हु इज़ सपोर्टिंग यू, ओके। शायद कल वाली जो वीडियो थी, कल वाली वीडियो में भी सेकंड पैनल में यही आया था, ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ कि हमेशा जो भी सपोर्ट करने वाले जो देवी देवता आते हैं, वो कृष्ण भगवान आते हैं, शिव जी आते हैं, बट राइट नाउ मुझे यहाँ पे माँ काली क्यों दिखती है बार बार, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात ये, सेकेंड चीज़ ये, और पता है क्या, सिर्फ आपकी ये वाली ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, आपको चीज़ें स्पिरिचुअली एनर्जी वाइज भी समझ में आ रही है, आपकी टोटल अवेकनिंग हो रही है, आप पूरी तरह से न्यू हो, ठीक है। जहाँ पे आप पहले परेशान रहते थे कि यार इसने मेरे साथ ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, वो करा, नो, अब आपका टाइम जो है वो चेंज होने वाला है, डियर, वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आप लोगों के लिए बेहद खुश हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं चाहती हूँ लोग जो है ना, स्पेशली जो आप जैसे लोगों, जो हर काम लोगों को खुश करना अपनी जो ड्यूटी, अच्छी बात है लोगों को खुश करो, बट अपने आप को नाराज़ होकर नहीं, तो ये जो लोग हैं ना, मतलब इनको मेरा ढेर सारा प्यार, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये, आपके घर में जो भी गलत लोग हैं, जो गलत तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, उन सब का जो कह सकती हूँ सत्ता जो होती है ना, सत्ता या पावर जो होती है ना, वो धीरे धीरे कम होने वाली है, ओके। अब आपके जो भी सैक्रिफाइसेस जो हैं, आपने जितने भी मेहनत करी, सैक्रिफाइसेस करे, उन सबका लोग आपको जो आपके घर में बाकी जो लोग हैं, जो डोमिनेट करते हैं वो लोग नहीं, बाकी जो लोग हैं वो अब आपको अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप अपने आप को अलग तरीके से देखोगे। अरे जितने भी जुल्म हुए ना अभी तक आपको, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलूँ, जितने भी जुल्म हुए ना अभी तक आपके ऊपर औरों से, स्पेशली आपके लव्ड वन से, जिन्हें आप बेहद नज़दीक में चाहते हो, ठीक है, वो सब अब ख़त्म होने वाले हैं। अब आप ब्यूटीफुल होने वाले हो, ग्लोइंग घुमाने वाले हो, अब आप, मतलब होता ना, एक तो एक घर को या तो किंग संभालता है या क्वीन संभालती है, ठीक है। अब तक आपके घर को शायद किंग ने संभाला, ठीक है, बट अब आप एक क्वीन बनोगे, अगर आप मेल हो तब भी, मैं यहाँ कह सकती हूँ, ठीक है, अब अगर आप मेल हो तब भी, बिकॉज आप सॉफ्ट हो, ठीक है, और सॉफ्टनेस को लोगों ने आपकी गलत ले लिया, बट राइट, अब आपके घर में ना बिल्कुल सही चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें होंगी। और जो एक और चीज़, जो अब तक आप टॉर्चर सह रहे थे ना, उन टॉर्चर को भी आप माफ़ कर दोगे, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। जितने भी तकलीफें आपने झेली ना, अब आप उन
सबको भी भुला दोगे, मतलब मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप लोग अपनी एक परत हटा रहे हो और एक न्यू बींग निकल रहे हो। जैसे सांप अपनी ऊपर की स्किन हटाता है ना और फिर दूसरा न्यू सांप निकलता है, वैसे आप हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सांप बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ, यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रोइंग पर्सन जिसकी अवेकनिंग हो रही है, जिसके साथ कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है। और ये जो सारी जो चेंजेस है ना, ये सारे चेंजेस आप इस अक्टूबर नवंबर के टाइम तक आप देख लोगे कि आप एक बिल्कुल न्यू पर्सन ओरिजिनेट हुए हो या बने हो। ओके, और वन थिंग, आप ना अब तक बहुत कंफ्यूजन में रहते थे, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, चूँकि डिल्यूशंस थे ना आपकी लाइफ में। अच्छा, डिल्यूजन मतलब पता है क्या? भ्रम कि यार ये मेरा अपना है, ये मेरे को हमेशा सपोर्ट करेगा, या ये मेरे साथ, मतलब जो भी हम भ्रम में रहते ना, वो सारे भ्रम एक एक करके क्लियर होंगे, एक एक करके टूटेंगे। पर जो अच्छी बात है, कभी कभी भ्रम टूटने चाहिए। ठीक है, जिन भ्रम में हम रहते ना, जो हमें गलत पिक्चर दिखाते, गलत चीज़ें दिखाते ना, वो सब टूटने चाहिए, और वो आपके साथ होंगे और वो बहुत अच्छी तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो इस दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर है। घर, पैसा, घोड़ा घोड़ी, मकान, ये जो सब है ना, ये सब एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो होती है ना, हम अंदर से खुश हैं, हम अंदर से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी इस 777 पोर्टल के बाद। ओके गाइज, सो गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, और अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।